सरोकार। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका, शराब पीने से हुई मौत पर मांगा इस्तीफा। नालंदा में जदयू नेता ने शराबबंदी कानून को बताया असफल, क्रियान्वयन के निचले स्तर पर हो रही गड़बड़ी। बेतिया में निकाय चुनाव का रण, बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नवादा में एसडीपीओ ने मतदान केंद्र का लिया जायजा, कई मतदान केंद्रों में दिखी भीड़। नवादा में दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट, मारपीट के बाद घर में लगाई आग। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। सदन में सीएम नीतीश कुमार के बयान, जो पिएगा वो मरेगा, कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि शब्द अहंकार का परिचायक है। उन्होंने बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर जहरीली शराब कांड के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पद से इस्तीफा देने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जनता को कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार को हराकर 2025 में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रोटेस्ट करते थे, इस बात को समझिए, हमारी सरकार में थे, लेकिन हम लोग जांच की मांग करेंगे और नीतीश बाबू कितनी लाश और गिरेगी। तो जैसी उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो शर्मिंदा, एक भाव नहीं है सहानुभूति का उनमें। तो ये हम लोग आज पूरे प्रदेश में उनका पुतला जला रहे हैं। दूसरा पुतला हम बिलावल भुट्टो का जला रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे आप शब्दों का प्रयोग किया है, और ये बिलावल भुट्टो कौन है? जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती हैं, समझे आप। और जिस दिन वो मोदी जी पर हमला कर रहे थे उसी दिन 1971 में पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश बना था। डीडीसी और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा ने नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में नरकटियागंज नगर परिषद में होने वाले मतदान के शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु प्रतिनियुक्त जोनल पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग कर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी ईवीएम मशीन के संचालन और कोहरे की समस्या को देखते हुए मतदान केंद्रों पर रोशनी की उचित व्यवस्था कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पुलिस पदाधिकारी को बताया कि मतदान के दिन मतदाताओं और प्रत्याशियों का तंत्र पर भरोसा, किसी भी शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। आप सभी को जैसे जानकारी है, कल नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव होने हैं, उसी क्रम में यहाँ पे हम लोग नरकटियागंज में आए हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था को हमने देखा है कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण तरीके से अचूक है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आज यहाँ पे पीसीसीपी पार्टी का डिस्पैच है जिसमें सभी को ईवीएम्स दिए जाएंगे और ये लोग यहाँ से अपने बूथ पे जाएंगे और कल चुनाव को संपन्न करवाएंगे। यहाँ पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी उपलब्ध थे जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है किसी भी ईवीएम में तो उसको त्वरित गति से उसको तुरंत सॉल्व करते हुए। आज के इस ब्रीफिंग में सारे पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया उनको क्या करना है, नहीं करना है, और साथ ही साथ जो कल वाला नगर निकाय का जो इलेक्शन होना है उसमें कई लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो और अभेद्य रहे और साथ ही साथ इसके कारण शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो सके। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं?
वो सारे लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों का कंडक्ट कैसा होना चाहिए और आप लोगों का ड्यूटी क्या क्या है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी कानून पर कहा कि सभी पार्टियों ने शराबबंदी कानून का समर्थन किया पर क्रियान्वयन के निचले स्तर तक गड़बड़ी होने के कारण कानून सफल नहीं रहा। शराबबंदी कानून की समीक्षा पर कहा कि किसी व्यक्ति या दल के कहने पर कानून नहीं बना है, लेकिन ताड़ी की समीक्षा को जरूरत बताया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए कटाक्ष का पलटवार करते हुए कहा कि जो भाजपा के साथ रहेगा उसकी नैतिकता रहेगी, चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों ना हो। शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा सत्र का सुचारू संचालन ना हो पाने पर विपक्ष की आलोचना की और सदन चलाना पक्ष विपक्ष दोनों का दायित्व बताया। कानून का समर्थन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे के लेवल के अधिकारी की गड़बड़ी के कारण यह कार्यक्रम बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। तो नीचे के अधिकारी हैं, उनको ठीक से काम करना चाहिए और शराबबंदी से अधिक नीचे के लेवल पे दाढ़ी का जो मामला है उससे लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी। सहरसा नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में एक नगर परिषद और चार नगर पंचायतों के लिए होने वाले मतदान की कार्रवाई सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव में एक नगर परिषद और चार नगर पंचायत के कुल 97 वार्ड पर वोटिंग जारी है। वहीं मतदान केंद्रों पर जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सहित दंड अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तस्वीर सहरसा जिले के सौर बाजार नगर पंचायत की है, जहां नगर पंचायत के मध्य विद्यालय में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं मतदान के प्रति लोग जागरूक भी दिखे। खासतौर पर मतदान केंद्रों पर पुरुषों की संख्या के मुताबिक महिला मतदाताओं की संख्या अधिक देखी गई। सौर बाजार नगर पंचायत के सभी मतदाता से एक ही अपील है कि इस महापर्व में आइए और एक सुंदर स्वस्थ समाज बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जिससे हमारा सौर बाजार एक सुंदर स्वस्थ और शिक्षित सौर बाजार नगर पंचायत हो। बिहार के सहरसा जिले के नगर पंचायत बरियाही में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की वोटिंग के दौरान मौत हो गई। मतदान केंद्र पर हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय मोहम्मद अख्तर मतदान केंद्र पर अचानक बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में बेहोशी की हालत में उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस उस बार लेके गए हॉस्पिटल में तो बताया लेके चले जाइए, कुछ नहीं हुआ। कौन सा बूथ पे? बूथ नंबर 12 नंबर 12 बटे 2 मदरसा में। मदरसा में मदरसा बूथ कहां ले गए थे? सूर्या हॉस्पिटल। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अख्तर। उम्र कितना है? 60 ईयर्स। आपका क्या नाम? अमित अखिल। कौन है आप उनका? लड़का है, पापा है। बिहार की खबरों में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा नगर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर आज सभी बूथों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। शहरी क्षेत्र में कुल 172 मतदान केंद्रों पर 1,52,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रशासन ने मतदान से पूर्व कई बूथों पर मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त होते ही और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव शुरू हो गया। शहर में इस बार 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसके साथ ही पिंक बूथ का भी निर्माण किया गया है। कुल 44 वार्ड में आज नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर विपक्ष सदन में लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार सरकार में बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे आलोक रंजन ने शहर के शंकर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव झा, जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा, पूर्व जिला अध्यक्ष माधव चौधरी, उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने शहर के विभिन्न मार्गों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पुलिस प्रशासन, शराब माफिया और सरकार के विरोध में जम कर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि हमारी मांग है कि सत्ता के द्वारा जो शराब का कारोबार हो रहा है और इसमें जो सैकड़ों लोगों की जान गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं है, ये सभी लोग जान रहे हैं। अगर शराबबंदी पूर्ण रहती तो आज इस तरह की जो निरंतरता के साथ घटनाएं हो रही है, आज पहले इससे पहले और हुआ था, आज छपड़ा में हुआ है, तो शराबबंदी तो इसको आप कह ही नहीं सकते हैं। हम लोग शराबबंदी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शराबबंदी का समर्थन करती है, परंतु ये जो शराबबंदी के आड़ में जो वो थाना पुलिस के माध्यम से जो शराब का बिकवारा करा रहे हैं, हर जगह थाना और बाकी के बीच नेताओं के बीच का जो ये तस्करी कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी इस आक्रोश मार्च के माध्यम से इस गूंगी बैरी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए, आज जो बिहार में इतनी बड़ी घटना घटी छपरा में, सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई है और इतने परिवार, कितने औरतों के मांग का सिंदूर खत्म उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चे जो है सो बिना माँ बाप के अनाथ हो गए हैं।
नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के शोहदा गांव में बोरिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। झगड़े में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें रजौली अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने हरिनगर सुगर मिल हाईवे पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित राहगीरों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और कई घंटों तक चक्का जाम रखा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पहचान भेड़ियारी गांव के परसा थाना निवासी राम नरेश प्रसाद कुशवाहा के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों ने फरार अज्ञात वाहन के गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। मिल गया गाड़ी, कहीं धीरा नहीं चलता है। मिल गया गाड़ी कभी रात में पाइएगा तभी वैसे ही रोड नहीं छोड़ाता है। लोग आदमी हॉर्न मारते हुए थक जाता है। इधर से आ रहा था, गर्दा उड़ाते हुए मुझे मोटरसाइकिल जा रहा था, इधर से मर दिया, मार के फिरार हो गया। भेड़ियारी का आदमी है, अरमान खान घर आया हुआ है। क्या नाम है इनका? नाम हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भेड़ियारी का आदमी है, रमेश या क्या उस पर लिखा हुआ है, साहब बता रहे थे थाना स्टाफ। बिहार में छपरा के बेतिया क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लगातार मौत पर इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर रामनगर विधायक पदश्री भागीरथी देवी ने बिहार सरकार के शराबबंदी को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जाती है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन की मिली भगत से शराब बिकवाई जाती है। दिल्ली में इनकरा खुआ पके मुख्यमंत्री बने बिहार में, ई ना चले दिए भाजपा के लोग, इतना टाइट ईमानदारी पर भाजपा लड़ेला। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भदौनी नन्हू नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार के साथ दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। तलवार से हमला कर एक व्यक्ति का हाथ काट दिया और झोपड़ी के घर में आग लगा दी। घटना में एक महिला समेत चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें परिजन ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में तैनात चिकित्सक द्वारा सभी का इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने नाम दर्ज कर दबंगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये लड़की जा रहा था अपना, मतलब कहूँ भी जाए पर्दा वर्दा जाता हुआ, तो छिड़खानी किया इसके साथ। उसका भाई आया, बोला कि गलत बात है, ये ऐसी चीज नहीं होना सकता है, ठीक है ना। उसके बाद वही उसको मारने लगा, सरना कुछ टांग लेके धर ले गया, पता नहीं है सर। और पूरा तलवार उवार से पूरा काट उठने का पूरा काट दिया, मेरा चाचा के हाथ उस काट दिया सर, देख सकते हैं आप लोग। मधुबनी में नगर पालिका के प्रथम चरण के दौरान जिले की चारों नगर पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। इन चारों मतदान केंद्रों में कुल 107 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदान केंद्र पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर 6 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला शराब कारोबारी भागने में सफल रही। इसकी पुष्टि इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने की। उन्होंने बताया कि सेमरा घाट में छापेमारी कर 2 लीटर देसी शराब के साथ राम सूरत राम को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ बिहार मद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान ग्राम सेमरा से एक व्यक्ति राम सूरत राम को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से 2 लीटर शराब बरामद हुआ, जबकि उनके बगलगीर जोगिंदर राम की पत्नी, जोगिंदर राम को चूँकि फालिच मारे हुए हैं तो उनकी पत्नी दारू बनाती है, उसके घर से 4 लीटर शराब बरामद हुआ, देसी शराब, जो भागने में सफल रही। पश्चिम चंपारण बेतिया में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। बता दें यहां 4 जगह पर निकाय चुनाव हो रहा है। ये तस्वीर रामनगर निकाय क्षेत्र के बूथों की है। बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। यहां सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है और लोग कतार में लगकर वोट कर रहे हैं। खबर बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के परोरहा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में घायल महिला शारदा देवी साठी ने थाने में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किसी विवाद के चलते मारपीट हो गई है, जिसमें एक पक्ष की महिला बेहोश हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि मारपीट की शिकायत मिली है, जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राकेश पासवान, मंदिर जादव, उसका लड़का होता चला दिए, मेरा खड़ा थी चला करके काट दिया मुड़ी और 2-4 लाठी चला दिया और बोले कि जान मार देना, हम लोग जान मार देंगे। तब सभी लोग आए, हल्ला गुल्ली सुनते गाँव घर के परिवार के लोग। वो बोला हमसे कि तुम 2009 में, जिस टाइम हम 9 साल के थे, वो बोला कि 2009 में तुम हमारे द्वार पे आके मेरे बेटे की शादी में काटा चला रहे थे, बंदूक चला रहे थे। तो हम बोले कि तो उस टाइम तुम हमको क्यों नहीं पकड़ लिया, हमको थाना में दे दिया। तो बोला था अच्छा मैं कभी हम साथ लेंगे बदला, हम तुमसे और साथ में आए। तो इसे बोला चले में वो हमारे मम्मी बोली कि तुम घर पर से जाओ, यहाँ से हट जाओ, छोड़ो। हम द्वार पर से चले गए दूसरा जगह, तब तक वो अपने गाँव वाले को फ़ोन किया, बुला कर हमारे घर में घुस के हमारे मम्मी को फरसा से उसका लड़का और जगरोशन यादव और छट्टू यादव का लड़का सुनील यादव, रोहित यादव, मंदिर यादव, ये सब मिलकर मेरी मम्मी को मारा लोग और फरसा से उसका सिर काट दिया लोग।
बालू माफियाओं ने निजी बलुई जमीन के मालिक राम प्रवेश प्रसाद के खनन का विरोध करने पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर जमकर मारपीट की। मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित के परिजनों ने गाँव के ही लोगों पर जानलेवा हमले और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हम लोग जा रहे खेत देखने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ देखे कि इन लोग बालू उठा रहा है हमारे जमीन, माने वो हमारा जमीन पड़ता है 2800 कुछ प्लॉट नंबर उसका है। इसके बाद हम मना करने के लिए दोनों भाई जा रहे थे, देखे बालू उठ रहा था, ये हम मना किए तो हमको पकड़ लिया एक दो आदमी और हमारा भाई को अथी से बेलचा से मारना पीटना शुरू कर दिया, कुछ फैट से जो कि नाक पर लगा हुआ है। तो आपका जमीन में बालू निकल रहा था? हमारा जमीन में बालू है, बालू वही जमीने वो है। नवादा के राजगीर बख्तियारपुर के चैनपुरा रेलवे फाटक के पास रेल पटरी टूटी पाई गई। बावजूद इसके टूटी पटरियों में धड़ाधड़ कई ट्रेनें गुजर गई। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों की टूटी पटरियों पर नजर पड़ी, तब जाकर गेटमैन ने इसकी सूचना बिहार शरीफ स्टेशन प्रबंधक को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने प्लेट लगाकर टूटी पटरियों को जोड़ा, जिसके बाद फिर से परिचालन शुरू किया गया। रेलवे अधिकारी सुधांशु कुमार निराला ने बताया कि गेटमैन की सूचना के बाद तकनीकी टीम मौके पर गई और पटरियों को प्लेट से जोड़कर परिचालन शुरू कर दिया गया। इस दौरान कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई है। ठंड के मौसम में अक्सर पटरियों के टूटने की शिकायत मिलती है। नवादा नगर निकाय चुनाव को लेकर नवादा सदर एसडीपीओ नवादा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के स्वाट टीम ने नगर में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। नवादा नगर निकाय चुनाव को लेकर गोंदापुर भदौनी रसूल नगर में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सुरक्षा टीम ने जायजा लिया। इस दौरान रसूल नगर में मतदान करने को लेकर भारी संख्या में मतदाता दिखे। सुरक्षा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके लिए अलग से क्यूआरटी का गठन किया गया है और अलग से जो है जितने भी थाना प्रभारी है सब मोबाइल है और किसी भी तरह का अगर कोई हिंसक प्रयास करेगा या शांतिपूर्ण मतदान करने में खलल डालेगा तो प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। ऊपर जोनल बनाए गए हैं, जोनल बनाए गए हैं, सेक्टर्स बनाए गए हैं, PCCP पदाधिकारी हैं और स्टैटिक पदाधिकारी हैं, कई लेयरों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कहीं से कोई सूचना भी फिलहाल नहीं, शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है, भयमुक्त वातावरण में लोग मतदान। सौर बाजार थाना क्षेत्र के गोलमा निवासी स्मृति जयंती देवी और स्मृति शेष नारायण झा के यहाँ 14 दिसंबर को शादी समारोह के दौरान एक शख्स का हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयमाल कार्यक्रम में स्टेज पर वर और वधू के साथ कई महिला भी मौजूद थी। इस दौरान कुर्सी पर बैठे एक शख्स ने राइफल से लगातार 3 बार फायरिंग की। वायरल वीडियो का संज्ञान में लेकर सौर बाजार थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि जांच कर फायरिंग में शामिल शख्स पर सख्त कार्रवाई करने की जानकारी दी। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।